आपको ये भी बता देता हूँ कि उसके अंदर क्या क्या होता है। छोलू कबाब के अंदर फीके चावल होते हैं, फीके चावलों के बाद ऊपर उसने जो कबाब डाले होते हैं हमारे पाकिस्तानी, एक गिट का कबाब होता है, गिट का वो ऊपर डाल के देते हैं, हल्के से देसी घी होता है, टमाटर होते हैं, मिर्चियाँ होती हैं, ये चीज़ें होती हैं। सामने एक पारक नुमा चीज घर, क्या हाल है, खैरियत? अच्छा, ये यहाँ के जूस वगैरह चेक करें जी, देख रहे हैं जी नीचे आम वगैरह, बड़े हैवी किस्म का जूस वगैरह ये बना रहे हैं। ये देखें, ये लिखा हुआ है मैदान बैत बैतुल मुकद्दस, मैदान आब रज़ा बाज़ार, रज़ा बाज़ार ये साइड पे, लेकिन ये हम यहाँ से हम बाहर निकल आए हैं, ठीक है। अंदर के तकरीबन कोई 10 मिनट की मेरी 10 मिनट के दो वीडियो मैंने बनाई है सहन में चलते चलते की, तो अगर जिसने वो वीडियो हमारी नहीं देखी उस वीडियो को देखें। फ़िलहाल हम चल रहे हैं इमाम रज़ा बाज़ार की तरफ, ठीक है जी। उस साइड से हमने जाना था क्योंकि उधर खाने पीने के निज़ाम वगैरह चीज़ें वगैरह हैं, लेकिन आ गए हैं बस इस साइड पे, तो हाँ यहाँ से ये रास्ता है। ये देखें जी, ये वो पनसार टाइप दुकान है यहाँ तकरीबन हर, क्या हाल है, खैरियत? अच्छा, ये यहाँ के जूस वगैरह चेक करें जी, देख रहे हैं जी नीचे आम वगैरह, बड़े हैवी किस्म का जूस वगैरह ये बना रहे हैं, ठीक है। अगले साइड पे जा रहे हैं, ये देखें, ये मैंने ख़रीदना है एक, क्योंकि जब मेरा सफ़र वगैरह काफ़ी लंबा चली है, ख़रीद लेंगे तो इसके अंदर ये फ़ायदा हो जाएगा, थोड़ा सा गर्दन वगैरह नहीं थकती। सारे खिलौने की दुकान है, खिलौने की दुकान है इस साइड पे भी, इनके सारे बच्चों के लिए। वहाँ वो एक वीडियो वगैरह चल रही है ना, जो वो पाँव के नीचे वो बांधते, फिर वो ये वो चीज़ है जी, देख रहे हैं इसके वो पाँव के नीचे बांधते हैं, वो पता नहीं चाइनीज़ हैं कौन है, तो फिर वो कमरे के अंदर अपना वो शुगल मेला करते हैं, ये वो चीज़ थी। अगली ओ शूज़ चेक करो उस्ताद जी, बड़े हैवी और वीआईपी किस्म के बूट वगैरह पड़े हुए हैं, बच्चे वगैरह के लिए भी हैं, बड़े वगैरह के लिए भी हैं, ज़बरदस्त किस्म का निज़ाम है। ये वही पंसार, ये वही पंसार वाली दुकान वगैरह, यहाँ से आज सामान ख़रीदना है मैंने, वापस भी ख़रीदूँगा। खिलौने वगैरह तस्वीर वगैरह साइड पर पड़ी हैं, ये तकरीबन सारा ऐसे सही है, सिंपल सा बाज़ार है। ये देखें, पुराने ज़माने के इन्होंने ये अभी तक संभाल के रखे हुए हैं, इनके रेट यहाँ बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है। तो आपको अगर कोई चीज़ यहाँ पे चाहिए हो, कभी आना हो, तो आप छोटी दुकानें हैं जो मार्केट से अलग हैं, अलग बैठे हुए हैं, उनके रेट मुनासिब हैं, इन्होंने रेट बहुत ज़्यादा हैवी रखे हुए हैं अपने, हैवी इसलिए रखे हुए हैं कि जो भी यहाँ पे आते हैं पाकिस्तानी है, अदरवाइज़ हर पूरी दुनिया से, तो वो यहाँ से इन बाज़ारों में से ख़रीदारी करते हैं, तो इनकी ख़रीद व फरोख्त बहुत ज़्यादा है, तो इन्होंने इसलिए रेट वगैरह ज़्यादा रखे हुए हैं, तो और नखरे में इनके चीज़ें सेल करते हैं। जो ये देखें जो स्वेटर वगैरह, वो कितना प्यारा है ये वाला सामने, ये है 3,80,000, 3,06,721 और ये तकरीबन 2500 रुपये की इनके जर्सी बन रही है पाकिस्तानी। ये भी बाज़ार काफ़ी ज़्यादा, ये भी सेम वैसे सही है, इसमें भी इतना अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे पिछले वाला बाज़ार था वैसा ही है ये भी।
ये देखो यहाँ छोटे छोटे कुरान शरीफ वगैरह, तस्बीह वगैरह, जय नमाज वगैरह पढ़ी हैं, ये मसल्ले वगैरह पढ़े हैं, ये इधर तस्बीह वगैरह है। ये तस्बीह मुझे एक कल रात हम देख रहे थे, तस्बीह एक पसंद आई थी, बहुत ज़्यादा प्यारी थी, लेकिन अमाउंट से बहुत ज़्यादा, वो पैसे ज़्यादा मांग रहा था, 2500 रुपये एक तस्बीह के। मैंने कहा क्यों यार इतनी महंगी क्यों है? कहते ये आपका जो इमरान खान है ना, इमरान खान ने तस्बीह ली हुई इसलिए इसके रेट ज़्यादा है। मैंने कहा रहने दे यार, मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ, आप सीरियस भी ना ले लेना। ये देखे सर, ये जूस बना हुआ वो किसका दिल नहीं करेगा पीने के लिए सर जी? नीचे मालटे वगैरह बड़ा, ये देखें जी केले वगैरह, मिल्क शेक, हर चीज़ है। मूड है पीने के, आपसे भी पीऊँगा मैं। बड़ा प्यारा प्यारा निज़ाम है। आगा प्राइस येलो वाला, येलो हाँ येलो इस वन हाँ ये वाला अराउंड 1,000,000 कैलकुलेटर करिए। रेट पूछते हैं, पसंद तो आया, देखते हैं। 6,000 पाकिस्तान। कितना? 6,000 पाकिस्तान। चांदी? चांदी खालिस चांदी के बनो बने, इसलिए वो महंगा दे रहे हैं। ठीक है, इतना भी पाकिस्तानी लिहाज से तो काफ़ी ज़्यादा महंगे है जी। यहाँ पत्थर वगैरह या कूत वगैरह इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा हैवी रेट हैं। चप्पलें वगैरह चेक करें, इनसे पूछते हैं रज़ा बाज़ार के। ये इमाम रज़ा के रोज़े के बाहर के मनाजर थे, अब हम जा रहे हैं इमाम रज़ा बाज़ार में। ठीक है, चुल्लू कबाब, चुल्लू कबाब यहाँ अगर किसी ने आना हो और खाने के लिए पाकिस्तानी कुछ चाहिए हो तो सिर्फ़ और सिर्फ आप चुल्लू कबाब के गुजारा करो, इनका और कुछ खाने का नहीं है। ईरान वालों का बिल्कुल फीके खाने हैं, हमने ट्राई वगैरह किए, देखो सामने जो चुल्लू कबाब है सिर्फ और सिर्फ ये खाया करें यहाँ पर आके ईरान में। इसके अलावा आप, मेरा मशवरा ये है कि आप कोई चीज़ ना खाएं, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी के खाने होते हैं ना, चटपटे खाने हैं, इनके बिल्कुल फीके फीके खाने हैं। ज़ाफ़रान ऊपर हल्के से डाल के देते हैं, ये ज़ाफ़रान का भी कोई इतना ख़ास जायका वगैरह नहीं होता, हल्का हल्का मीठा सा बन जाता है वो, तो नहीं खाया जाता भाई पाकिस्तानियों के पास। मेरा मशवरा यही है, अगर आप आना चाहें यहाँ पर तो सिर्फ़ और सिर्फ चुल्लू कबाब हो। चुल्लू कबाब खाने में तो अच्छा है, लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि उसके अंदर क्या क्या होता है। चुल्लू कबाब के अंदर फीके चावल होते हैं, फीके चावलों के बाद ऊपर उसने जो कबाब डाले होते हैं हमारे पाकिस्तानी, एक गिठ का कबाब होता है, एक गिठ का, वो ऊपर डाल के देते हैं, हल्के से देसी घी होता है, टमाटर होते हैं, मिर्चियाँ होती हैं, ये चीज़ें होती हैं। सामने एक पार्क नुमा चीज़ चौक बना हुआ है, बहुत प्यारा है, लेकिन अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। देख रहे हैं वही गोभी के फूल वगैरह और पटूनिया वगैरह, डेलिया वगैरह, ये चीज़ें हैं। ठीक है, हम यहाँ से आगे जा रहे हैं, देखते हैं क्या निज़ाम है यहाँ। दोबारा पूछ, हाँ ये सामने लगा हुआ है इमाम रज़ा बाज़ार, पूछने लग रहा था, पूछने वाला था मैं किसी से, लेकिन वो सामने नज़र आ गया। इस वीडियो को मैं बनाऊंगा इमाम रज़ा बाज़ार के दाखिल होने तक, फिर उसके बाद अगले वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल तक आप यहीं तक एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, इमाम रज़ा बाज़ार को देखने के लिए इसके बाद जो वीडियो आएगी उसका इंतज़ार करना। अच्छा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, क्योंकि बहुत मुश्किल में वीडियो वगैरह बनती है, ऐसा नहीं है कि कोई आसानी के साथ वीडियो वगैरह बन जाए। तो आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि सब्सक्राइब वगैरह, कमेंट्स वगैरह, और अपना जो राय का इजहार है हमें कमेंट्स वगैरह में बताया करें, ताकि हम उनके ऊपर, उन बातों पे गौर करें। ठीक है, वैसे ही वीडियो बनाएं जैसे आप चाहते हैं। यहाँ शंगरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, जो चीनी की होती है शंगरी से, ये शंगरी के ऊपर हल्की सी ज़ाफ़रान वगैरह इन्होंने डाली हुई है। अच्छा निज़ाम है गला,
ये बच्चों के लिए अपने छोटे छोटे यानी कि जो ज़ायरीन यहाँ आते हैं तो अपने गिफ्ट वगैरह बच्चों के लिए लेके जाते हैं। ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, थोड़े हैं, ज़्यादा मुनासिब रेट है, इनके ज़्यादा हैवी रेट नहीं है। ये फ्रूट की दुकान उस जी, ये गिलास चेक करो, ये कौन पिएगा इसको? पूरे खानदान के लिए इसको, ये गिलास तो पूरे खानदान के लिए काफ़ी है। आगा आगा लाला क्यों ढेर हैं भाई, कार बनाई हुई है। इमाम रजा बाजार में हम दाखिल हो रहे हैं, आपको चारों तरफ का व्यू देते हैं। ये देखें इमाम रजा बाजार, ठीक है, ये बाजार में दाखिल होता हूँ। इसके बाहर भी ये बाजार थोड़ा मशहूर है, फेमस है, लेकिन इसके बराबर में जो बाजार हैं वो भी किसी चीज़ से कम नहीं है, इनसे इस मेरे ख्याल में से अच्छे ही होंगे। ये देखें ये रोड जा रहा है इस साइड पे, अच्छा ये रोड ऐसे आके फिर इस साइड पे इमाम रजा वाला रोज़ा आ गया, पिछली साइड में चौक में से जहाँ से आए हैं उस साइड पर वो है, ये अंदर बाज़ार जा रहा है, ये उस साइड पर बाज़ार जा रहा है। ठीक है, फिलहाल इसका है वीडियो कैंड करते हैं, फिलहाल अगली वीडियो शुरू करते हैं, इसमें इमाम रजा के बाज़ार के आपको रिव्यू देते हैं।